अच्छा लगता है ना। भूख का तेल लगी है, हम जब से आए तब से कुछ खाओ नहीं है। अच्छा अच्छा खा लीजिए खा लीजिए। ये देखिए पनीर चावल। हाँ आज डांस कर भी डीजे में। हाँ की चाची डांस कर भी ना। आ कखन की अखन बजेबो? बजेबो ना। तो ये देखिए दोस्तों सारे बाउंसर भाई लोग आ गए हैं, है ना। ये देखिए तो कुछ कुछ लोगों को तो पहचान भी करते हैं, इनको पहचानते ही होंगे, राणा भाई को पहचानते ही होंगे, बंकू भैया को पहचानते होंगे। ये भैया नए हैं, ये भी भैया नए हैं, ये भी भैया नए हैं, ठीक ना। और ये देखिए हाँ बात बाकी सारे तो देख रहे हैं दोस्तों, पूरा बाउंसर की टीम यहाँ तैयार है। तो कुछ देर बाद दोस्तों सारे बाउंसर अपने अपने जगह में लग जाएंगे और यहाँ जो पार्टी होगी वो बहुत ही मजेदार पार्टी होने वाली है। डांस भी होगी और बड़े बड़े यूट्यूबर लोग आए हुए हैं, आप देख रहे हैं। मनोज भैया आए हैं, शिवानी दीदी आई है, बाद बाकी सारे से आपको परिचय कराते रहेंगे और इन्जॉय कराएंगे। तो चलिए दोस्तों आप सबको मिलाते हैं हमारे लोकल क्षेत्र के बहुत ही बड़े यूट्यूबर और शिवानी दीदी यहाँ पे है और खुद खाना खा रही है लग रही है। हाँ का दीदी कैसे हैं? नमस्ते। नमस्ते भैया। हाँ आइए देखिए दीदी खुद प्लेट लगा रही है, छोड़िए हम लोग लगा देते हैं। इनको तो परिचय देने का जरूरत नहीं है, सो आप लोग जानते ही होंगे दीदी के बारे में, है ना। इतने लोग जानते हैं उनको, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और दीदी का लैंग्वेज इसलिए अच्छा लगता है ना कि यूपी और हरियाणा वाले का यही लैंग्वेज सबसे अच्छा लगता है ना। भूख का तेल लगी है, हम जब से आए तब से कुछ खाओ नहीं। अच्छा अच्छा खा लीजिए खा लीजिए। ये देखिए पनीर चावल। हाँ पनीर चावल दीदी खा रही है। दाल दीदी ये है, ये सब्जी इधर है। हाँ दीदी खाना खाएगी, बैठ जाइए। तो ये देखे दोस्तों नानी जी, नानी जी आ गई। ओ नानी किसन लगा है? ठीक लगा है ना। विजय गिधर भेज गए हैं? एक और से यार खुशी की चाय। खुशी हो ना। हाँ आज डांस करबो डीजे में। हाँ की चाची डांस कर भी ना। आ कखन की अखन बजेबो? बजा भी ना। ठीक है वाह। किसी का सपोर्ट से कोई यूट्यूबर बन ही नहीं सकता। अभी अगर जीता जाता प्रूफ है ना, यहाँ पे जितने भी यूट्यूबर्स है जो आज के डेट में अच्छा कुछ कर रहे हैं, किसी ने उसको सपोर्ट किया था क्या? सब अपने ही दम पे आगे बढ़ता है। हमारे घर में भी तो डेली कम से कम 20 लोग आते हैं। इंस्टाग्राम का कोई नहीं जी। हाँ जी कैसे नहीं, आइए आइए जल्दी आइए। क्योंकि वो पापा है, माँ में सहने की क्षमता होती है ना, तो पापा में धैर्य होता है। सब तो पापा में धैर्य होता है और वो अंकल जी दिखा रहे हैं और अभी अंकल जी आएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। कितना खूबसूरत सफर जो विजय का रहा है ये आप लोग देखे होंगे। विजय भाई का क्या घर था, जहाँ खड़े हैं एक छोटा सा टाइम देते हैं एक मिनट में, जहाँ तक हमको जीवनी पता है, अगर आप लोग भी आए होंगे तो इनका जीवनी पता होगा। विजय भैया का लाइफ एकदम स्ट्रगल लाइफ था और आज भी स्ट्रगल है, लेकिन अभी जो स्ट्रगल है इसमें आनंद है। ये पारिवारिक जीवन है और ये जीवन में इनको मतलब कठिनाई आती है लेकिन इसको झेलना पड़ेगा। लेकिन पहले जो था ना वो मतलब बहुत ही दर्दनायक और खराब परिस्थिति से ये गुजर कर आज एक बड़े यूट्यूबर बने हैं। आज ये जो मंच तैयार हुआ है ये सपनों में भी इन्होंने नहीं सोचा होगा कि मैंने इस प्रकार का मंच करूंगा और इतने सारे कैमरे यहाँ पर इसको फोकस करेंगे। तो ये है इनका बात बाकी तो अब जानते हैं कि नहीं स्टोरी जानते हैं ना। अरे एक फगुनिया भाभी तो पूरा पता है, ऐसा लग रहा है साथ में थी रिया भाभी का। हाँ सहेली थी। अच्छा अंकल जी कितना दूर पहुंचे, आ जाइए। अच्छा
तो अब फगुनिया भाभी का थोड़ा कहानी सुन लीजिए आप, अगर थोड़ा बोरिंग हो रहे हैं तो यहाँ आकर जो रील्स बनाते हैं ना, सबसे ज्यादा फगुनिया भाभी रील्स बनाती है। एक दिन में पचास रील्स। बच्चा भी है इनका, अगर आप लोग रील्स देखते होंगे, बच्चा भी है, सबको मैनेज कर लेते हैं, बच्चा पति हम लोग भी आए थे साथ में रहते, सबको मैनेज कर लेते जी का। अरे आवाज दीजिए यार, आइए आइए। क्या यार आप लोग यूट्यूबर्स बनिएगा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। इसमें होगा मनोज भैया, देखते हैं हाँ दिला देते हैं। कहाँ मनोज भैया? वाह मनोज भैया, अरे यहाँ स्टेज में है तो कम से कम यहाँ भी तो हाथ दिला उनके लिए आए हैं। आइए अंकल जी, चलिए अब कंप्लीट हो गया इनका फैमिली। ठीक है, इतना देर मजाक हो रहा था, अब सही में आप लोग वीडियो बनाइए, इतना देर खाली मोबाइल में काम कर सकते ना। हाँ सही में बनाइएगा, लाइट आने दीजिए तब ना सही रहेगा। और आप लोग सोचिएगा ना, आप लाइट का बंदोबस्त तो उधर थोड़ा क्लियर कर दीजिए वो बच्चा लोग, और थोड़ा सा क्लियर फेस आ रहा है भैया। चाचा थोड़ा इधर आ जाइए, हाँ सुनिए इधर आ जाइए, और आइए विजय भी आगे आइए थोड़ा सा, तो ना पूरा आएगा फोटो फेस। हाँ तो दोस्तों फाइनली आप सबों के बीच में आज जो यहाँ के मेहमान अतिथि और सभी यूट्यूबर्सों के बीच में हमारे विजय भैया के पुत्र श्री आयुष्मान विराट जी का फेस आप सबों के बीच में दिखाया जा रहा है। हाँ सो गाइज आप लोग रेडी रहिए देखने के लिए, है ना। ये काम उनके दादा दादी करेंगे। हाँ उनके दादा दादी करेंगे, साथ में चाची रहेंगे। हम लोग परिवार के एक अभिभावक हैं और अंकल जी रहेंगे, सभी रहेंगे, सभी आए हुए तमाम यूट्यूबर्स गण। तो देखिए दोस्तों दिखाइए भैया, you